ओम शांति। कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर? बहुत अच्छा। अब मेरा भोजन का परिचय दे दिया तो मैं ये भी पूछूंगा, भोजन अच्छा लगा दोपहर में? अच्छा लगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो और पेट पूजा अच्छी ना हो तो मज़ा आधा रह जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल, सुंदर, हम इसको बहुत डीपली लेंगे, पावर ऑफ थॉट, मन की शक्तियाँ। हम हर एक के पास मन है। मनुष्य का जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी वैल्यू और किसी चीज़ की नहीं जितनी हमारे जीवन की है। पर इस जीवन को सुंदर बनाना, जीवन को बहुत एंजॉय करना, जीवन को महान बना देना, अपने को बहुत शक्तिशाली बना लेना, जीवन में जो चैलेंजेज आए उनको हंसते हंसते पार कर लेना, ये सब शक्तियाँ संकल्प से आती हैं। संकल्प महान भी है। और पहली चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हमारे हर संकल्प से शक्ति जनरेट होती है, हमें ये बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। जब से मुझे इस सीक्रेट का पता चला तो मैंने संकल्प के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने पर, कराने पर रिसर्च की। बहुत साल हो गए, लगभग 20 साल ये कार्य करते हुए यहीं हुआ ये ज्ञान सरोवर में। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, शक्ति पैदा होती हैं। आप सभी को पता है WHO ने पिछले साल अगस्त में ये डिक्लेयर कर दिया है कि 2020 से डिप्रेशन इस संसार की महामारी होगी। मैं भी सुना, वहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट दिल्ली के गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये वंडरफुल चीज़, क्योंकि मैं ये चीज़ कहता था 2015 से, मैं कह रहा था कि मनुष्य बहुत निगेटिव होते जा रहे हैं, मन की स्पीड फास्ट होती जा रही है, बहुत लोग एंग्जाइटी, बिना मतलब की परेशानियाँ, बिना मतलब की चिंताओं से घिरे रहते हैं, बहुत लोग पास्ट में जीते रहते हैं। तो हो न हो ये संसार डिप्रेशन का शिकार हो जाए, डिप्रेशन और इंसोमनिया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर लोग मुझे भी आजकल आपकी तरह डॉक्टर समझने लगे हैं। जब आप लोगों का केस फेल हो जाता है तो मेरे पास आते हैं, अब क्या किया जाए भाई बताओ। संकल्प शक्ति से हम कुछ सजेस्ट करते हैं लोगों को और मिरेकुलस फायदे होते रहे हैं सबको। ये अनुभव हमारे पास बहुत आते रहते हैं और ये बात लाखों लोगों तक पहुंच गई है। ये एक्सपीरियंस और ये एक्सपेरिमेंट लाखों लोगों के हो गए। तो पहले मेरे पास, अब से 5 साल पहले, कोई एक पेशेंट आता था जो ये कहता था कि हमें डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, वो भी हफ्ते में एक आता था। पिछले 3 साल पहले वो रोज़ एक आने लगे और अब यदि मैं अपना फ़ोन ऑन करूं तो 10 पेशेंट रोज़ डिप्रेशन वालों के फ़ोन आएंगे। उसमें भी मन की स्पीड फास्ट है, हम बिना मतलब परेशान हैं, हमें डर लग रहा है, हम एकाग्र नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के बहुत आते हैं, हायर स्टडी वालों के, हम एकाग्र नहीं हो पा रहे, हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है। और मैंने इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन संकल्प से कराने के एक्सपेरिमेंट शुरू किए और
आप विश्वास करें, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य हुआ कि सभी केस ठीक होने लगे, 95% केस ठीक हुए। संकल्प की शक्ति, देखिए हमारे संकल्प से, मैं इसी बात को लूँगा और फिर बहुत सारी शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। आप में से बहुत भाई बहने जानते होंगे 90% हमारी शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। अगर हम अपने को और शक्तिशाली बनाएं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और शक्तिशाली बन जाएगा और तब हम और बड़े बड़े काम कर सकेंगे। मैं एक दो चीज़ें आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई आपके ध्यान में दिला देता हूँ। मनुष्य का ब्रेन जितना अब से 100 साल पहले पावरफुल था, उतना अब से 50 साल पहले नहीं था, और जितना ब्रेन 50 साल पहले था उतना अब नहीं है। और अब क्या हो रहा है, ब्रेन की शक्ति भी वीक हो गई है और ब्रेन पर प्रेशर पहले से ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए गड़बड़ बहुत होती जा रही हैं। मैं देखता हूँ एक छुपा हुआ भय बहुतों के मन में रहता है। आज ही किसी का फ़ोन आया, भाई जी मुझे बहुत बीमारी लग गई है, मैं डर रही हूँ। मैंने कहा कुछ तो बताओ क्या हो गया, अर्थराइटिस हो गया है बहुत, मेरे से कोई काम नहीं होता है, मेरी एक बच्ची 9 साल की है केवल। मैंने कहा तो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स ठीक करते हैं इसे, इसमें डर क्या तुम्हें। कहा नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं लेटी रहती हूँ, लेटे लेटे भी डर लगता है। देखिए गहरे डिप्रेशन में जाता हुआ मनुष्य। तो मैं संकल्प शक्ति की बात कर रहा था। दूसरी बात, मैं वो संकल्प बताऊंगा आपको जिसके प्रयोग से मैंने कराया, और एक संकल्प जो मिरेकुलस थॉट रहा इस सारे संसार में, जो आजकल भी बहुत काम कर रहा है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, केवल बीमारियों की बात नहीं, उसके एक्सपर्ट तो आप सभी हैं, और बहुत सारी जीवन की प्रॉब्लम्स जिससे हल होती देखी गई। हमारे हर संकल्प से वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, किरणें जैसी फैलती रहती हैं, तरंगे फैलती रहती हैं चारों ओर। ये बहुत सुंदर सीक्रेट है, आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और आपके संपर्क संबंध में, क्योंकि बहुत लोग आते हैं और आपके प्रति बहुत अच्छी भावना लोगों की रहती है, आप उन्हें जो कुछ कहेंगे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, भावना से करते हैं और करते हैं। देखिए बहुत गहरा सीक्रेट है, हमारे हर संकल्प से तरंगे पैदा होती है, वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, ये प्रकृति में जाते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली और इस पे आप कार्य करें, चिंतन करें और आगे आप बढ़ सकते हैं, शायद मेरे से अच्छा आप कर सकते हैं इस पर। ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के और हमारे वाइब्रेशंस के बीच में रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन की प्रतिक्रिया निरंतर होती रहती है, और जो संकल्प हमने किया वही चीज प्रकृति निर्माण करके हमें वापस दे देती है। बहुत ही सुंदर ये बात है। पहले प्रयोग अब से 20 साल पहले, 18 साल पहले मैंने उन गरीब माताओं से कराए थे जो ये कहती थी हम बहुत गरीब हैं, जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में समा लिया था हम तो गरीब हैं। तो मैंने उनको उनकी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कन्विंस किया कि तुम्हारी गरीबी का कारण है तुम्हारा ये सोचना कि मैं गरीब हूँ। मैंने उनके संकल्पों को चेंज कराया, सवेरे उठकर संकल्प किया करो मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, भगवान को धन्यवाद दिया करो, आपने मुझे बहुत धन दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
और हफ्ते से ही उनके धन में वृद्धि प्रारंभ हो गई और 6 मास में वो गरीब नहीं थे। बस मेरा लक्ष्य ये था कि इनके सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड की भी डेप्थ में इन्होंने भर लिया है मैं गरीब हूँ, इस संकल्प को हटवा देना है। भावनात्मक रूप से वो स्वीकार कर लें हम गरीब नहीं हैं, बहुत अच्छा हुआ। कितने बच्चों पर हमने प्रयोग करा, स्टूडेंट पर, देखिए छोटा सा प्रयोग। आपके पास भी बहुत बच्चे आते होंगे, लोग लाते होंगे अपने बच्चों को, मेरे बच्चे की बुद्धि बहुत डल है। मेरे पास और अच्छी अच्छी बातें भी आती रही, स्टूडेंट आने लगे, मैं सभी सब्जेक्ट में बहुत होशियार हूँ, मैथमेटिक्स में बहुत वीक हूँ, अगर मैं मैथमेटिक्स में भी ठीक हो जाऊँ तो मेरी पोजीशन बहुत अच्छी आ जाए। तो हमने उनको संकल्प शक्ति के छोटे छोटे से प्रयोग कराए, बहुत सफल रिजल्ट हुआ। जिन बच्चों की बुद्धि कम है, उनकी माताओं को हमने सिखाया कि जब बच्चों को सवेरे उठाओ तो 3 बार बुलवाना, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ। और रिजल्ट बहुत सुंदर रहे, कुछ ही दिनों में उनकी बुद्धि चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगी, निखरने लगी और वो होशियार विद्यार्थी बन गए। तो हमें अपनी संकल्प शक्ति को पहचानना है। जो कुछ आज हम हैं, अच्छे या बुरे, सुखी या दुखी, सफल या असफल, निराश या आशाओं में, जो कुछ आज हम हैं वो पास्ट के संकल्पों का परिणाम है। और जो कुछ आज हम अपनी विचारधारा बनाएंगे उससे हमारा फ्यूचर निर्माण होगा। इसलिए हमारा जीवन, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं यहाँ पर। आप में से जो लोग ब्रह्मा कुमारी के कॉन्टेक्ट में आए होंगे उन्होंने ये शब्द सुना होगा, ज्ञान मुरली। ईश्वरीय महावाक्य यहाँ सुनाए जाते हैं। उसमें मैंने बहुत साल पहले एक बात सुनी थी, लगभग 35 years before। भाग्य क्या है, बहुत ही एक लाइन की डेफिनेशन थी, संकल्पों की एनर्जी ही श्रेष्ठ भाग्य की एनर्जी है। तब तो मेरी समझ में भी नहीं आया था ये क्या है, लेकिन जब मैंने इस पे कार्य करना शुरू किया तो समझ में आ गया हम अपने फ्यूचर को अपने पावरफुल थॉट्स से बदल सकते हैं। तो मैं वो 2 संकल्प आपको बताता हूँ, आप अच्छा प्रयोग करा सकते हैं पेशेंट से, जिनके आधार पर हमने डिप्रेशन वालों को ठीक होते देखा। मैं भी कहीं कहीं चमत्कारिक रूप से महसूस करता हूँ कि ये कैसे हो गया, ये मिरेकल है, ये गॉड्स पावर है, या इनका बेस्ट फॉर्च्यून है, ये क्या है जो ये व्यक्ति ठीक हो गया है। देखिए 2 संकल्प हैं। आप सभी आज से जो कुछ यहाँ सुन रहे हैं सवेरे से, मैं तो सोच रहा था आप तो बहुत सुन रहे हैं यहाँ सारा दिन, याद रहता होगा क्या इतना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। नया सुनेंगे पिछले वाला इधर साफ होता है या नहीं, ग्रेट ग्रेट, एसेंस तो याद रहता ही है। ठीक कहा आपने, मैं सुनना ही तो चाहता था कि आपका रेस्पॉन्स क्या आता है। तो मैं आप सभी को वो 2 संकल्प बता रहा हूँ, इतना तो आपको पता चल गया यहाँ। और जो हम आपको बताना चाहते हैं और रियलाइज कराना चाहते हैं, केवल नॉलेज नहीं, केवल बातें नहीं, कुछ बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ें, और वो ये, हम भगवान के बच्चे हैं। डू यू बिलीव इट, बोलो, हाथ उठाओ अगर आपको विश्वास है।
भगवान का बच्चा कौन है? देह तो आपका किसी मनुष्य का बच्चा है, भगवान का बच्चा कौन है? आत्मा। तो हम आत्माएं हैं और हम भगवान के बच्चे हैं। इससे पहले मैं एक बात और कह दूं आपको, और आप में से बहुत अच्छे डॉक्टर जो रिसर्च माइंडेड हैं वो इस पे रिसर्च कर सकते हैं बहुत अच्छी। माइंड और इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि, ये आत्मा की फैकल्टीज हैं, ये आत्मा की शक्तियां हैं। और ब्रेन, ये शरीर को चलाने वाली शक्ति है। मन, बुद्धि और ब्रेन तीनों अलग अलग हैं। इसमें आप और कुछ बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट टच की एक बात। मन पावर ऑफ थॉट, बुद्धि पावर ऑफ विजडम, और ब्रेन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, जो हमारा एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है जिसके द्वारा सारे बॉडी का कंट्रोल होता है, चलाते हैं इस बॉडी को। लेकिन माइंड एंड इंटेलेक्ट वे ऑपरेटर हैं, वो ब्रेन को ऑपरेट करते हैं। तो माइंड इज द पावर ऑफ थॉट, इंटेलेक्ट इज द पावर ऑफ विजडम। हम भगवान के बच्चे हैं। इसे एक बात पे आप गहराई से मेरे साथ विचार करेंगे और इसको हम जोड़ेंगे संकल्प शक्ति से, पावर ऑफ माइंड। शक्ति, जैसे मैंने कहा माइंड इज द पावर ऑफ थॉट, शक्ति माइंड में रहती है, नॉलेज बुद्धि में रहती है। माइट पावर रिजाइड्स इन माइंड, ये माइंड की चीज है। कोई व्यक्ति शक्तिशाली है वो केवल बॉडीली नहीं, मन से शक्तिशाली है। अभी मैंने एक युवक को देखा, मैं एक जगह गया हुआ था मध्य प्रदेश में, तो वहाँ हमारे यहाँ आने वाला राजयोग सीखने वाला एक युवक भी आया था। मुझे बताया गया इसने 5 गोल्ड मेडल लिए हैं खेलों में अभी अभी, और वो है वेट लिफ्टिंग में। अभी वो मेरे से पतला था, मैंने कहा भाई तुमने कितना वेट उठा लिया? 21 साल का था। कहा 470 किलो। कुछ कुछ हिस्सों में उठाया जाता है, मुझे पता नहीं उनकी क्या टेक्निक होती है, क्या उनकी फिलोसोफी जैसी होती है उसके पीछे। कहा मेरा वजन 57 किलो और मैंने गोल्ड मेडल इंटरनेशनल भी लिया, एशिया का भी लिया, भारत का भी चैम्पियन में ही बना और स्टेट के भी 2 मैंने लिए। 5 गोल्ड मेडल पिछले साल मैंने लिए वेट लिफ्टिंग में। तो कहा सब लोग आए हुए थे बहुत सारे, जब इंटरनेशनल प्रोग्राम था रशिया में, हाँ हांगकांग में, तो सब लोग मेरे पास भाग आए कि तुम क्या खाते हो, चिकन अंडे, कौन सी वाइन लेते हो, क्या खाते हो तुम, तुम तो दुबले पुतले पतले हो, हम तो बॉडी बिल्डर हैं और हमने तो बहुत प्रैक्टिस की है, पर गोल्ड मेडल तुमने ले लिया। उसने बताया, वो भी एक ऐसा छोटा बैज लगाता जैसे हम लगाते हैं ना, उन्होंने कहा ये मेरा मेडल है पहला, मेरे पास गॉड्स पावर हैं, पावर ऑफ माइंड है, मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ, मैं इन चीज़ों को जो नॉन वेज वाली हैं टच भी नहीं करता, मेरे पास मन की शक्ति है, मैं उसको प्रयोग करता हूँ। तो देखिए मन की शक्ति ही तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको रोज़ अनुभव होते होंगे, एक पेशेंट आता है मन से हारा थका घबराया, बीमारी छोटी सी लेकिन उसे लगता है मैं तो मरा, मैं तो मरी, अब तो गए बस। और एक पेशेंट आता है कैंसर 4th स्टेज पर पहुंच गया है लेकिन मन से बहुत स्ट्रांग, आपको कहता है डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट दीजिए मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये मन की शक्ति की ही बात है ना। तो हम भगवान के बच्चे हैं, गॉड इज ऑल माइटी। इससे पहले मैं एक उदाहरण दे दूं तो आपको बहुत आनंद आएगा उत्तर देने में। टाइगर का बच्चा क्या होगा बोलो, थोड़ा सा नींद भी नहीं आएगी आपको, थके होंगे आज।
टाइगर का बच्चा, हम ऑलमाइटी भगवान के बच्चे हैं, तो हम क्या होंगे? उत्तर अभी आया नहीं क्योंकि आपने ज़्यादा सुना नहीं है। आवर फादर इज ऑलमाइटी, वी आर ई चिल्ड्रन, सिंपल भाषा बोलता हूँ तो वो ऑलमाइटी है तो हम भी तो बहुत पावरफुल होंगे या नहीं? एक्सेप्ट इट, वी आर मास्टर ऑलमाइटी, ये एक शब्द दिया गया। ऑलमाइटी फादर एंड वी चिल्ड्रन आर मास्टर ऑलमाइटी, ये एक बहुत सुंदर थॉट है। दूसरा थॉट, भगवान के हम बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट, हम बहुत महान हैं, हम साधारण नहीं। जो लोग कहते हैं मेरा तो भाग्य खराब है, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं ये हूँ वो, नेगेटिव बोलते रहते हैं ना। गॉड सेज नो, बीइंग माय चाइल्ड यू आर ग्रेट, इसे भी आप स्वीकार कर लें, हम महान हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को जरा ऊपर उठाएं, इसको हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। देखिए संकल्प भी कई तरह के होते हैं, हायर कॉन्शियसनेस के ये संकल्प हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, जैसे ही हम ये संकल्प करेंगे, अब हम ये संकल्प कराते हैं सवेरे उठते ही, जैसे ही आँख खोलें ये संकल्प करें, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, तब ब्रेन भी बहुत साइलेंट है। हमने सोचा मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, माइट के वाइब्रेशन सबसे पहले ब्रेन में फैलने लगे। मुझे ब्रेन की नॉलेज नहीं, आप में से बहुतों को होगी, वर्क करें आप इस पर, मेरी ये रिक्वेस्ट है। आप बहुत बड़ी चीज़ संसार को दे सकते हैं कि एक एक थॉट हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेज लाता है। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ये वाइब्रेशंस ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन को पावरफुल बना रहे हैं, उसमें बहुत चीज़ें जो डैमेज हो गई हैं, जो बिल्कुल डेड पड़ी हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं, हम में जागृति आ रही है। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं ये लिखाता हूँ रात को सोने से पहले, और ये आज तक अनुभव है, इसके रिजल्ट 100% हैं। जिन्होंने लिखा उनकी इंसोमनिया की प्रॉब्लम समाप्त हुई, 7 दिन में 5 दिन में लोग गहरी नींद सोने लगे, बहुत गुड रिजल्ट हैं। इससे वही होता है, ब्रेन को प्योर एनर्जी जाती है, प्योर एनर्जी ब्रेन को साइलेंट करती है और नींद आने लगती है। तो ये 2 संकल्पों के प्रयोग हमने डिप्रेशन के और इंसोमनिया के पेशेंट पर कराए। सवेरे उठकर 108 टाइम लिखो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ब्रेन एम्पावर हो गया। थोड़े दिन में, ज़्यादा दिन नहीं लगे, किसी का 5 दिन में, किसी का 7 दिन में। जिनको एकाग्रता बहुत कम थी, जो बच्चे कहते थे पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ भी याद नहीं रहता, उनकी मेमोरी पावर बढ़ गई, क्योंकि ब्रेन एफिशिएंट होने लगा ये लिखते ही, और डिप्रेशन बहुत जल्दी ठीक हुए। तो ये संकल्प की शक्ति बहुत ही गहरी है। डिप्रेशन के बारे में मैं एक चीज़ और आप सबको कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास अब डिप्रेस्ड आत्माओं की ही लाइन लगने वाली है। केवल साइकेट्रिक डॉक्टर के पास नहीं, आप सबके पास बहुत भीड़ होगी इसकी। इसके कुछ सूक्ष्म कारण हैं। आपके डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंजिंग बात मैं कह रहा हूँ, उसको अदरवाइज आप न लेना। अब वो समय तेजी से आ जाएगा 2-3-4 साल में ही कि मेडिसिंस डिप्रेशन पर कुछ भी काम नहीं करेंगी। क्यों? इसके पीछे कारण है।
ये डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है और क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल कारण है जो हम इस ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जानते हैं कि अब मनुष्य का जो कर्मिक अकाउंट है जन्म जन्म का, ध्यान से सुन लेना, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, हो सकता है आपके अंदर ये गहराई से न जाए, पर ये सत्य है कि जो मनुष्य का जन्म जन्म का कर्मिक अकाउंट है वो ब्रेन में अब एक्टिव होने लगा है, शुरू हो गई ये प्रक्रिया, और एक दो साल में इसका भयानक रूप आप देखेंगे। तो रात को ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव रहेगा कि वो सोने ही नहीं देगा, ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव रहेगा वो ब्रेन की अनेक चीजों को डैमेज कर देगा, डिप्रेशन सीवियर होने लगेंगे। ऐसे में एक चीज बहुत काम करती है, आप में से जो डॉक्टर जैन समाज से हैं उनके वहाँ तो ये बात बहुत ही अच्छी है, क्षमा याचना करते हैं। अभी भी पर्युषण पर्व था कुछ दिन पहले ही, तो एक दिन वो क्षमा याचना कर रखते हैं, जिससे भी कोई गलती किसी के प्रति हुई है उससे क्षमा याचना करना। हम इसमें एक और चीज़ कराते हैं, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, क्षमा याचना करना, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जोधपुर राजस्थान में है, वहाँ के एक बड़े डॉक्टर बीमार हो गए, 6-7 साल पहले की बात है, बहुत सीरियस स्थिति हो गई, रेफर कर दिया जयपुर, इलाज होने लगा, कोई फायदा नहीं हो रहा था, स्थिति गिरने लगी, बिल्कुल मृत्यु की ओर पहुँचने लगे। तो उनका परिवार हमारे आश्रम पर आया जोधपुर में और कहा, भाई आप ज्ञान योग ध्यान करते हैं, आप कुछ पता कर सकते हैं, डॉक्टर साहब कैसे जी सकते हैं, क्या किया जाए, हम और क्या करें जो इनका जीवन बच जाए। तो हमारे यहाँ कुछ ट्रांस मैसेंजर सिस्टर्स होती हैं जो ध्यान अवस्था में जाकर कुछ चीज़ों का पता कर लेती हैं। तो भगवान को भोग ऑफर किया गया, वो सिस्टर जो थी वो ध्यान में गई, तो उसने देखा, एक सीन आ गया उसके सामने कि ये डॉक्टर पिछले जन्म में राजकुमार था, ये अपने बगीचे में बैठा है, वो सीन देख रही है, ये बगीचे में बैठा है, एक बूढ़े ब्राह्मण ने बगीचे में प्रवेश किया, दोनों बातचीत करने लगे, दोनों में वाद विवाद हुआ, दोनों में क्रोध हुआ और इस राजकुमार ने तलवार निकाल कर उस ब्राह्मण का वध कर दिया है। बस आवाज आ गई कि जब तक ये उस ब्राह्मण से क्षमा याचना नहीं करेगा ठीक नहीं होगा, ये बात उस डॉक्टर के कानों में सुनाई गई वहाँ, जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में था कि बस 2-4 दिन का मेहमान है। और सुनते ही उसको रियलाइज हुआ कि इट्स ट्रू, और उसने वहीं हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता, क्रोधवश मैंने आपकी हत्या की थी, मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दें, आप शांत हो जाएं। वो क्षमा याचना करने लगा और अगले दिन से उसकी शरीर की स्थिति में इम्प्रूवमेंट होने लगा और 15-20 दिन में वो पूरा ठीक होकर वापिस आ गया अपने काम पर, वो जिंदा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कर्मिक अकाउंट, पास्ट कर्मों के वाइब्रेशंस हमारी स्थिति पर, हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, मन पर बुरा इफेक्ट डालते हैं, हजारों साल पहले के भी डालते हैं। देखिए, डिप्रेशन का एक कारण मैंने खोजा, कई लोग आए आते रहते हैं, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, आखिर तुम्हें डिप्रेशन क्यों है, बहुत खुश थे, जीवन में कभी असफल नहीं हुए, बिल्कुल एनर्जेटिक थे, सब कुछ हमारे पास, धन भी, सुख भी, परिवार भी, क्यों हो गया भाई फिर? किसी की कोई समझ में कारण नहीं आया, मैं भी नहीं समझा कि हुआ क्या। मैंने उनसे क्षमा याचना कराई, ठीक होने लगे तेजी से, 21 दिन में बहुत पेशेंट ठीक हुए।
तो मुझे एक राज समझ में आया। मान लो 1000 साल पहले आप कहीं राजा थे, आपने एक गलत ऑर्डर दे दिया था, गलत ऑर्डर से 1000 लोग दुखी हो गए थे, उन लोगों की बददुआएं अब तक भी आपका पीछा कर रही हैं, वो आपसे जुड़ी हुई हैं माइंड से, वो माइंड को अफेक्ट कर रही हैं, डिप्रेस कर रही हैं, उसका पूरा प्रभाव माइंड पर पड़ता जा रहा है। क्षमा याचना करने से वो वाइब्रेशंस कट जाएंगे, लाइन क्लियर हो जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी बात है ये, हम इसको प्रयोग करते हैं अपने पुरुषार्थ में, अपने जीवन में। मैं आप सभी के लिए एक बहुत काम की बात और कह देना चाहता हूँ। मैं एक उदाहरण के साथ बताऊँगा। हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है, एक 30 साल की कन्या आई, उसके पैर नम हो गए थे, वो बस बैठी थी, चल नहीं सकती थी। उसने मुझे बुलाया हॉस्पिटल में कि भाई यहाँ मैग्नेट थेरेपी के लिए, मसाज आदि के लिए, पंचकर्मा के लिए आई थी, तो क्या करूँ और मैं जो ठीक हो जाऊँ। तो एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सोने के समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, फिर से जैसे सवेरे एक्टिव होता है, सोने से पहले भी एक्टिव हो जाता है। माइंड जैसे ही साइलेंट होगा तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। रात को आप बहुत अच्छा प्रयोग कराएंगे पेशेंट से, रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी रहती है। मैं उदाहरण के द्वारा आपको कह रहा हूँ। तो वो लड़की आई हमारे यहाँ, निराश थी बहुत, 30 साल की केवल, इंजीनियर, अच्छी जॉब में, अब वो कुछ नहीं कर सकती है, क्या होगा मेरा, ये निराश थी। मैंने पहले तो उसको जगाया, कह नहीं तुम ठीक हो के दिल्ली वापस जाओगी, तुम चिंता ना करो, योर फ्यूचर इज ब्राइट, सब ठीक हो जाएगा। उसमें थोड़ी जागृति आई, जो निराशा के विचार आ गए थे, क्योंकि वो विचार निगेटिव एनर्जी उसके ब्रेन को दे रहे थे। हमने उसको एक संकल्प ला दिया, तुम ठीक हो जाओगी। इस संकल्प से उसको पॉजिटिव एनर्जी ब्रेन को मिलने लगी। तो एक विजन हमने उसको बताया, ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है बहुत सुंदर, कि तुम एक विजन बनाना सोने से पहले और उठते ही, कि 3 मास पूरा होते ही मैं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हूँ। अपने को देखना, विजन विद कॉन्फिडेंस कि यही होना है, इसमें 1% भी डाउट ना हो कि मैं दौड़ रही हूँ। उसका इलाज चालू हुआ, मैग्नेट थेरेपी है हमारे यहाँ, मसाज आदि है, पंचकर्मा है, 3 मास में वो ठीक होके वापस चली गई। तो रात को सोने से पहले हम हर पेशेंट को सिखा दें, मान लो कोई व्यक्ति हाई बीपी से परेशान है जीवन में, वो सोने से पहले 5 बार संकल्प करे, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। 9 शब्द प्रयोग न हो इस लैंग्वेज में, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि वो संकल्प करे मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है नहीं शब्द को कैंसिल कर देता है। अगर किसी पेशेंट ने ये संकल्प दे दिया मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। इसलिए नहीं शब्द, 9 शब्द यूज नहीं करना है। बहुत अच्छी तरह हमारे यहाँ आने वाली बहुत सारी माताएं जो बहुत भोली हैं, भोली माताओं को भी हम ट्रीट करते हैं, जो बहुत भोली हैं, जो वही करेंगी जो हम कहेंगे, ऐसी बहुत मात्र शक्ति हमारे पास आती है। मैं सिखा देता हूँ जब उनकी क्लासेज होती हैं, कि तुम सोते हुए, दिन में, सवेरे उठते हुए
ये संकल्प नहीं किया करो मुझे बहुत बीमारी है, मैं बहुत बीमार हूँ, पता नहीं मैं ठीक होंगी या नहीं, पता नहीं कब ठीक होंगी, ये नहीं, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी हेल्थ परफेक्ट है, संकल्प किया करो। और मुझे कई माताओं ने सुना है, मैं भोली माताओं की बात कह रहा हूँ, वे ठीक हो गई हैं। जो 20 गोली रोज खाती थी आज वो एक गोली भी नहीं खा रही हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारी संकल्प शक्ति का। हम तो कहीं कहीं पब्लिक प्रोग्राम में टॉपिक रखते हैं मैजिक ऑफ थॉट, बहुत ही सुंदर इसके परिणाम होते हैं। हमारा एक एक संकल्प मैजिकली काम करता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत प्रैक्टिकल और सुंदर बात पर, जो अब आपके लिए है। सवेरे जब हम उठें तो पहले 5-7-10 मिनट आप अपने को एनर्जेटिक करने में दीजिए, क्योंकि पहले 10 मिनट हर मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव रहता है। बिल्कुल निगेटिव ना हो जाएं, आप थक ना जाएं सारा दिन काम करते करते, पेशेंट की निगेटिव एनर्जी आपके पास ना आ जाए। ये भी बहुत होता है आपके साथ, आपको पता होगा। कल ही मेरे पास एक युवक डॉक्टर आया बिलासपुर मध्य प्रदेश से, शायद छत्तीसगढ़ में है भी बिलासपुर। कहा मेरे पास तो 30 पेशेंट रोज आते हैं, मैं साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ, और मैं इतना थक जाता हूँ कि जब घर से वापस जाता हूँ तो कोई ताकत नहीं होती, मैं जैसे डेड रहता हूँ। कल ही आया, यंग बिल्कुल, 30-32 साल का होगा। एक चीज़ तो आप ये करेंगे कि पेशेंट की निगेटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करें। कोई बहुत दुखी आपके पास आया, आपको उस पर दया तो आएगी, दया करना एक बात है, उसको रिसीव कर लेना दूसरी बात है। इसलिए मैं आप सभी को ये सुंदर चीज़ दे देना चाहता हूँ, कहीं भी ऐसी निगेटिव एनर्जी आपको आने लगे, आप 5 बार याद कर लेना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं भगवान की संतान मोस्ट पावरफुल हूँ। आपके चारों ओर एक पावरफुल ओरा बन जाएगा और किसी की भी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं आएगी। ये आती है क्योंकि आप अपने पेशेंट्स से बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं। ठीक बात है या नहीं, मुझे पता नहीं, अब उत्तर आपको देना है। मैं तो कुछ डॉक्टर्स के अनुभव सुन के ऐसा पाता हूँ कि निगेटिव एनर्जी बहुत आती है। आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरह। तो सवेरे उठते ही पहला 5 मिनट आपके लिए गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, हर मनुष्य के लिए है। मेरे सामने आप बैठे हैं डॉक्टर्स, मैं आपको कह रहा हूँ, पर इस संसार में हर प्राणी के लिए आँख खुलने के बाद के 5 मिनट बहुत सुंदर समय है। उसमें मनुष्य अपने फ्यूचर का, अपने आज का जैसा चाहे निर्माण कर सकता है। उठते ही सुंदर संकल्प करना। हम तो एक संकल्प सुनाते हैं सबको, और मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ आपको भी वो बहुत प्रिय होगा। भगवान हमारा परमपिता है, उठते ही उसे गुड मॉर्निंग करें। बोलो, पसंद है ये आइडिया? बोलो, उठते ही अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करें, और गुड मॉर्निंग करते ही फील करें उसने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, आई एम ब्लेस्ड बाय हिम। मैं पूछना चाहता हूँ, पसंद है आपको? उत्तर नहीं आया मुझे, मुझे लगा मैं ही बोल रहा हूँ, आप तो कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है ना, आपके दिन की शुरुआत परमपिता के मिलन से हो गई, उसकी ब्लेसिंग आपके पास आ गई है, आप उसकी केयर में आ गए, उसकी प्रोटेक्शन में आ गए हैं। दूसरा संकल्प करना, हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, आप
आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नाम सम्मान दिया, सफलता दी, पैसा दिया, पद पोजीशन दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ जाएगा। तीसरा संकल्प करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। खोलना है आपको अपने दिमाग को सवेरे उठते ही, किसी भी प्रेशर में अपने को नहीं रखना है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरा आज का दिन बहुत सुंदर बीतेगा, जो भी पेशेंट मेरे पास आएगा वो ठीक होकर जाएगा, विश्वास लेकर जाएगा। ये सुंदर संकल्प सवेरे उठते ही कर लेना। संकल्प शक्ति का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मैं कुछ और चीज़ इससे जुड़ी हुई आपको कहना चाहता हूँ। आने वाले समय में ऐसे डॉक्टर्स की संसार को ज़रूरत रहेगी जो पेशेंट के सिर पे हाथ रख दे, ठीक होकर जाए। आप नेक्स्ट टू गॉड कहलाते हैं, आपकी ब्लेसिंग पेशेंट को पूरी राहत दे दे, ऐसी जरूरत रहेगी। मेरी बात याद रखना, 2025 आते आते बहुत सारी मेडिसिन रेस्पॉन्स नहीं करेंगी, आपको लगेगा क्या हो रहा है, हम क्या करें। आपकी गुड विशेस, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं पेशेंट्स के लिए वरदान होंगी। तो मैं चाहता हूँ, आप यहाँ आए हैं, ये भगवान का घर है, बहुत सुंदर स्थान पर आप आए हैं, आगे जाके आप इसको याद किया करेंगे कि कभी ज्ञान सरोवर माउंट आबू गए थे। ये भगवान के द्वारा ब्लेस्ड स्थान है, इसको वरदान मिला है भगवान के द्वारा, यहाँ बहुत कुछ प्राप्त होता है। आप ये वरदान लेकर जाना, जिस पर मैं नज़र डालूँ उनको राहत मिल जाए। ऐसे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, पास्ट में नहीं रहना है और अपने संबंधों को बहुत स्वीट बनाना है। संबंध माना मैं कहूँगा पति पत्नी के बीच के संबंध को, जो बहुत नज़दीक है, और जो बड़े हो गए हैं वो उनका बच्चों से भी संबंध, परिवार से संबंध। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो झुक कर चले वही महान। एक बात अपने से पूछनी है सभी को, मेरा ईगो बड़ा या संबंध बड़े हैं। आजकल बहुत गड़बड़ हो रही है संबंधों में, डिवोर्स हो रहे हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, संबंधों में टकराव बढ़ता जा रहा है, संबंधों का सुख संसार में थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है, और इसका एक ही कारण है ईगो। लेकिन हमें अपने ईगो को झुकाना है और संबंधों को सुखी स्वीट बनाना है। फिर पूछ रहा हूँ, डू यू लाइक इट? ईगो बहुत बुरी चीज़ है। मेरे पास तो आजकल, क्योंकि हम समाधान के प्रोग्राम किए हैं, 1000 एपिसोड किए हैं टीवी के लिए, और वो 50 चैनल्स पे रिले हो रहे हैं, तो बहुत लोग आते हैं जिनके डिवोर्स के केसेज हैं। युवक, 1 साल मैरिज हुई, 6 मास मैरिज हुई, डिवोर्स चालू हो गया है, फाइल दर्ज हो गई है, टकराव बढ़ रहा है, एक दूसरे को छोड़ने की धमकी दी जा रही है, बिकॉज ऑफ ईगो। कोई झुकना नहीं चाहता, सब एजुकेटेड, दोनों में ईगो। हमारी एजुकेशन ने एक निगेटिविटी भी दे दी मनुष्य को। एजुकेशन मनुष्य को वाइज बनाए, लेकिन एजुकेशन ने केवल इन्फॉर्मेशन दी, उसको ईगोइस्टिक बना दिया, उसको पोलाइट नहीं किया। हमें बहुत पोलाइट होना है, पास्ट को लेकर नहीं चलना है। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये मेरे पास गिलास है, इसमें आधा भरा हुआ पानी है, कितना, 100 ml भी नहीं होगा। अगर
कोई मुझे कहे या आपको कहे इस गिलास को ऐसे पकड़ कर रखो 15 मिनट, ऐसे ही रखना, हिलना नहीं, इज इट पॉसिबल? नो। देखिए वजन कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा तो 10-20 सेकेंड में हाथ दुखने लगा, दुखने लगेगा ना। होल्डिंग नेचर बीमारियों का मुख्य कारण, होल्डिंग नेचर डिप्रेशन का मुख्य कारण। अब जब हम 100 ml का वजन 15 मिनट नहीं होल्ड कर सकते, तो दुनिया भर की बातों को दिमाग में होल्ड करके रख लिया है, दिमाग का क्या हाल हो रहा होगा, सोचना है। आपको सिखाना है, ये मैं बात केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको पेशेंट को सिखाना है। बहुत सारे पेशेंट बीमार बहुत कम होते हैं, पास्ट को होल्ड ज़्यादा किया होता है, इसने 20 साल पहले मेरे साथ ये किया था, वो रखा हुआ इधर, वो छूटता ही नहीं है, वो रोज़ याद आता है और दुखी होते रहते हैं, निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाती रहती है। नो होल्डिंग नेचर, सभी पास्ट को पूरी तरह समाप्त कर दें। मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन संसार की पास्ट में जीती है, 70% से अधिक लोग पास्ट में जीते हैं, तो वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते, नींद का सुख नहीं ले पाते हैं, संबंधों का सुख नहीं ले पाते हैं, इसलिए फॉरगेट द पास्ट। ये दो शब्द आप यहाँ सुनते होंगे, फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगिवनेस इज द ब्यूटी ऑफ ए पावरफुल पर्सन, फॉरगेटफुलनेस इज द साइन ऑफ ए वाइज पर्सन, क्योंकि उसको हम बदल नहीं सकते, जो बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसको भुलाकर अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं, अपने फ्यूचर को सुंदर बनाएं। मैं एक लाइन में इस तरह कहूँगा, पास्ट की कड़वाहट से अपने वर्तमान को कड़वा न करें। पास्ट यदि कड़वा था, वर्तमान को तो स्वीट बनाएं, तो आपका भविष्य और स्वीट हो जाएगा। लास्ट बात कहना चाहता हूं अब, जब आप सवेरे उठें तो भी मुस्कुराते हुए उठना, और जब सोएं तो मुस्कुराते हुए सोना, तो भाग्य का सूर्य भी मुस्कुराता रहेगा। पॉसिबल है ना? सोते हुए सारा दिन का बोझ दिमाग पे रख के नहीं सोना है, उठते हुए वही बोझ फिर याद कर लिया, इसे टेंशन बढ़ती है, इसे निगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए बहुत अच्छी विधि हमारे यहाँ राजयोग में सिखाई जाती है कि आज रात को जब हम सोएं, तो सारा दिन का मन पर अगर कोई बोझ है, कोई टेंशन है, निगेटिविटी है, किसके बुरे शब्दों का प्रभाव है, उसको डिलीट करके सोएंगे। और इसकी सिंपल विधि जो मैंने अप्लाई की और कराई लोगों से, भगवान के नाम एक पत्र लिख दो रात को सोने से पहले, 2-4-5 लाइन का, जो भी मन के बोझ हैं उसको अर्पित, यू आर माई फादर, लुक आफ्टर मी, सब ले जाओ ये किचरा गंदगी, और आप देखेंगे आप फ्रेश होके सोएंगे, सवेरे उठेंगे तो भी मुस्कराएंगे, आपको देखने वाले मुस्कराएंगे, पेशेंट भी मुस्कराएंगे, और जीवन आनंद से भर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।